फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है थर्ड स्टैंडर्ड का ग्रामर। टॉपिक है कॉमन प्रॉपर एंड कलेक्टिव नाउंस। नाउंस हमें पता है, नाउंस क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स, मतलब कोई वर्ड्स जो जिससे कोई नाम पता चलता है, जगह का नाम, कोई एनिमल का नाम, कोई पर्सन का नाम और कोई चीज का नाम, तो नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। नाउन थ्री टाइप का होता है, थ्री टाइप्स ऑफ नाउन्स यू कैन सी इन थर्ड स्टैंडर्ड। इसका और भी बहुत सारे टाइप्स है नाउन का, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम पढ़ेंगे आज थ्री टाइप्स ऑफ नाउन्स। वन कॉमन नाउन, सेकेंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन जो कॉमन नेमिंग वर्ड्स है, कॉमन नेमिंग वर्ड्स, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नेमिंग वर्ड्स का एग्जाम्पल क्या हुआ? फ्रेंड्स, फ्रेंड, पार्क, कैट, मंथ, फेस्टिवल। अब हम एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? फ्रेंड, फ्रेंड आपके तो बहुत सारे होंगे, तो एक फ्रेंड को मतलब, फ्रेंड मतलब कौन सा फ्रेंड है ना? तो इसमें कुछ स्पेसिफिक कोई फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड कोई भी फ्रेंड हो सकता है, तो इसलिए ये हो गया कॉमन। तो क्योंकि फ्रेंड एक पर्सन को हम बता रहे हैं तो वो नाउन है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। पार्क, अब पार्क बहुत तरह के पार्क होते हैं, एम्यूजमेंट पार्क, नेशनल पार्क, बहुत सारे पार्क्स हैं जो कि जिसका अलग अलग नाम है। कौन सा पार्क स्पेसिफिकली जब तक नहीं बताएंगे वो कॉमन नेमिंग वर्ड्स में आता है, कॉमन नाउन में आता है। ठीक है, कैट, कैट मतलब एक एनिमल, नॉर्मल कैट एनिमल। कौन सा कैट? जो लोग कैट को एज अ पेट एनिमल पालते हैं वो कैट का नाम देते हैं, तो उनके लिए कैट एक नॉर्मल कैट, एनी कैट कैन बी, बट अगर उसका नाम होता है तब वो स्पेशल होगा। जब तक ना उसका कोई नाम होता है वो कॉमन नेमिंग वर्ड्स में ही आएगा। सो ये हो गया कॉमन नेमिंग वर्ड्स में, तो ये हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, देन मंथ, विच मंथ, मैं मंथ में पैदा हुआ ऑब्वियसली लेकिन कौन से मंथ में आप बॉर्न किए हो, आपका जन्म हुआ है कौन से मंथ में? तो स्पेसिफिकली जो मंथ होगा वो होगा स्पेसिफिकली मेंशन्ड, स्पेशल नेमिंग वर्ड होगा। लेकिन ओनली मंथ इफ यू आर सेइंग, दैट मींस ये हो जाता है कॉमन, कॉमन नेमिंग वर्ड्स। इसमें आप स्पेसिफिकली कोई मंथ को मेंशन नहीं कर रहे, आप सिर्फ बोल रहे हैं मंथ, तो ये हो जाता है कॉमन नेमिंग वर्ड्स में, तो ये कॉमन नाउन हो जाता है। देन फेस्टिवल, इंडिया में बहुत तरह की फेस्टिवल है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। अब आप अगर कहेंगे स्कूल में या कॉलेज में कि मेरे घर में फेस्टिवल था इसलिए मैं नहीं आई, तो कोई भी आपको जनरली सबसे पहले यही पूछेगा कौन सा फेस्टिवल था। तो जब तक ना आप स्पेसिफिकली बोलेंगे कौन सा फेस्टिवल था, तो वो फेस्टिवल कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, राइट? तो कोई भी फेस्टिवल मतलब हो जाता है कॉमन नेमिंग वर्ड्स, तो ये आ जाता है कॉमन नाउन के अंडर। अब कॉमन नाउन समझ में आया, मतलब इन जनरल जो कॉमन है सबके लिए वो हो जाता है कॉमन, कॉमन नाउन। लेकिन वो नाउन क्यों कहलाता है? क्योंकि वो कोई प्लेस का नाम, कोई पर्सन का नाम, कोई थिंग्स का नाम और कोई एनिमल्स का नाम है।
इसलिए वो नाउन है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं है इसलिए वो कॉमन में आ रहा है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन, फ्रेंड हमने बोले कॉमन नाउन में, फ्रेंड बोले कॉमन नाउन में, तो यहां पे कौन सी फ्रेंड? विच। विच का आंसर जो नाउन दे रहे हैं वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। फ्रेंड, विच फ्रेंड? रायना। तो यू आर मेंशनिंग स्पेसिफिकली रायना, तो रायना हो जाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है। पार्क, विच पार्क? नेशनल पार्क। देन यू आर मेंशनिंग नेशनल पार्क, पर्टिकुलरली एंड स्पेसिफिकली यू आर मेंशनिंग नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क हो जाता है प्रॉपर नाउन। देन कैट, कैट का नाम है किटी। मंथ, विच मंथ? अगस्त। फेस्टिवल, विच फेस्टिवल? दिवाली। तो इससे क्या होता है, विच का जो आंसर दे रहा है वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन, और एक आपको मैं छोटा सा टिप्स दे रही हूं, प्रॉपर नाउन कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सॉरी, यहां पे सी रायना, आर नेम कैपिटल लेटर से, आर से स्टार्ट हुआ है। नेशनल पार्क कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। किटी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। ऑगस्ट ए कैपिटल लेटर से, दिवाली डी कैपिटल लेटर से। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा और कॉमन नाउन स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो हमने कॉमन नाउन, कॉमन नेमिंग वर्ड्स पढ़ लिए, हमने स्पेशल नेमिंग वर्ड्स, प्रॉपर नाउन पढ़ लिए। अब बचा कलेक्शन ऑफ पर्संस, कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन है द नेम्स दैट वी यूज फॉर कलेक्शन ऑफ पर्संस, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। इसका मतलब कलेक्शन ऑफ पर्संस, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स, मतलब कुछ लोगों को एक साथ बताने के लिए जो नाउन यूज होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल ये हो गया, अ बंच ऑफ बनानास, अ बंच ऑफ, बंच हो गया कलेक्टिव नाउन। क्यों बंच? बनाना, बनानास मीन्स नॉट वन बनाना, इट्स लॉट्स ऑफ बनानास। तो बनाना बहुत सारे बनानास, बहुत सारे बनानास को हम एक साथ क्या बोलेंगे? बंच ऑफ बनानास। ठीक है। तो ये बंच, तो बनाना क्या हो गया? थिंग हो गया। थिंग मतलब ये हो गया नाउन। ठीक है। तो बनानास को कलेक्शन में, बहुत सारे बनानास को कलेक्ट कर रहे हैं एक साथ, तो उसको क्या कहते हैं? बंच। तो बंच हो गया कलेक्टिव नाउन। COL ने कलेक्टिव के लिए यूज किया। ठीक है। और N नाउन के लिए। ठीक है। तो ये हो गया अ ग्रुप ऑफ पीपल। पीपल मतलब हो जाता है पर्सन, पर्सन मतलब नाउन, ग्रुप ऑफ पीपल। अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप एक इंसान रहते तो ग्रुप तो नहीं कहते, ग्रुप मतलब एक साथ बहुत सारे लोग, तो एक साथ बहुत सारे लोग को क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप हो गया कलेक्टिव नाउन। समझ में आ रहा है?
और एक एग्जांपल, गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स मतलब डकैत, रॉबर्स एक नहीं है, नॉट अ सिंगल रॉबर, दे आर टॉकिंग अबाउट गैंग मीन्स बहुत सारे, तो गैंग हो जाता है कलेक्टिव नाउन. देन अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स एक फ्लावर नहीं है, बहुत सारे फ्लावर्स है, तो बुकेट हम बुके कहते हैं, राइट. तो बुके हम फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं ना, बुके, तो बुकेट हो जाता है, बंच ऑफ फ्लावर्स को एक साथ करने के लिए उसको बुकेट कहते हैं, तो बुकेट हो जाता है कलेक्टिव नाउन. ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, समझ में आया, द नेम्स दैट वी यूज फॉर कलेक्शन ऑफ पर्सन प्लेसेस एनिमल्स और थिंग्स. बहुत सारे लोग या थिंग्स या जगह और एनिमल्स को एक साथ बताने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल क्या है, बंच, अ बंच ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ बुकेट ऑफ, आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है, अ बंच ऑफ डैश, ग्रुप ऑफ डैश. चलिए एक काम करते हैं, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल, कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपको हम कुछ कॉमन मीनिंग वर्ड्स मतलब कॉमन नाउन का देंगे, कुछ कलेक्टिव नाउन का देंगे और कुछ प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल देंगे. आप मुझे बताइएगा, हम यहाँ लिखेंगे. ठीक है, तो करते हैं. सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स नहीं, एक एक्सरसाइज टाइप का मैंने दिया है. यहाँ पर ये हो गया कॉमन नाउन, ये हो गया प्रॉपर नाउन. ठीक है, यहाँ पे कोई कोई प्रॉपर नाउन मेंशन है, उसमें से आपको कॉमन नाउन बताना है. ये हो गया कॉमन नाउन का लिस्ट, कुछ कुछ जिसमें से आपको प्रॉपर नाउन बताना है. वेरी इजी, डोंट वरी, वेरी इजी, आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी. ठीक है, सबसे पहले कॉमन नाउन के यहाँ पे ब्लैंक है और प्रॉपर नाउन में लिखा है कोलकाता. कोलकाता क्या हो गया, सिटी हो गया, तो कोलकाता स्पेसिफिकली आई एम मेंशनिंग कोलकाता मीन्स कोलकाता सिटी, सो ये प्रॉपर नाउन में आता है. तो इसका कॉमन नाउन क्या होगा, विच सिटी, कोलकाता, तो सिटी, सिटी हो गया कॉमन नाउन में. ठीक है, अब सेकेंड में क्या है, कॉमन नाउन में डे है, विच डे, चलिए कौन सा डे लिखे आपके हिसाब से, बेस्ट डे कौन सा होता है, हॉलीडे ना, तो इधर हॉलीडे तो नहीं लिख सकते, हॉलीडे लिखेंगे तो वो हॉलीडे कॉमन नाउन हो जाएगा, विच हॉलीडे. सो हम यहाँ स्पेसिफिकली जो डे है वो लिखेंगे, जैसे संडे. ठीक है, अब यहां पे लिखा है होली, होली मतलब हो जाता है फेस्टिवल, स्पेसिफिकली दे आर मेंशनिंग होली, यहां पे स्पेसिफिकली बोला गया है होली मतलब फेस्टिवल, ये हो गया प्रॉपर नाउन, तो यहां क्या होगा, फेस्टिवल. ठीक है, स्कूल, कौन सा स्कूल नहीं लिखा है, तो हमें प्रॉपर नाउन में लिखना है स्कूल का नाम. डॉन बॉस्को. ठीक है, अब प्रॉपर नाउन में यमुना लिखा है, यमुना क्या है, एक रिवर का नाम है, कौन सा रिवर, विच रिवर, यमुना, तो क्या हो जाएगा, रिवर. ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है. कॉमन नाउन है
कॉमन नेमिंग बोन्स, प्रॉपर नाउन का नाम, प्रॉपर नाउन क्या है? स्पेशल नेमिंग बोन्स। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल्स हो गया, अभी हम इसका एक्सरसाइज भी हो गया। इसी तरह से आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कि कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाए। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे कलेक्टिव नाउन का, ठीक है। सो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अभी हमने आपको बताए थे, कलेक्टिव नाउन होता है कलेक्शन ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल्स। तो यहां पे अ बंच ऑफ, यहां पे बंच हो गया कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन। अ बंच ऑफ व्हाट, कुछ भी हो सकता है, अ बंच ऑफ फ्रूट्स और अ बंच ऑफ पेंसिल्स, ना अ बंच ऑफ फ्रूट्स। अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अ ट्रूप ऑफ, ट्रूप किसका होता है? ट्रूप होता है डांसर्स का। अ स्वार्म ऑफ, स्वार्म किसे कहते हैं? फ्लाइज का जो ग्रुप होता है, झुंड, उसे स्वार्म कहते हैं। तो स्वार्म ऑफ फ्लाइज, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन्स। बंच, बंच ऑफ हो गया कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ हो गया कलेक्टिव नाउन, ट्रूप ऑफ हो गया कलेक्टिव नाउन, स्वार्म ऑफ हो गया कलेक्टिव नाउन। ये आपको पढ़ना पड़ेगा आपके जो ग्रामर बुक है उसमें, देखिए बहुत सारे ऐसे लिस्ट रहेगा, बंच ऑफ, ग्रुप ऑफ, ट्रूप ऑफ, फ्लीट ऑफ, ठीक है, स्वार्म ऑफ, बुकेट ऑफ, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स रहेंगे। आपको समझ में आ गया कलेक्शन ऑफ पर्सन प्लेस नेम्स, ए पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल्स का क्या मतलब होता है और उसका क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल आपको हमने दे दिए, तो आपको समझ में आ गया कि कलेक्टिव नाउन क्या है। तो आज हमने क्या पढ़े, फिर तीन चीज पढ़े, एक है कॉमन नाउन, एक है प्रॉपर नाउन और एक है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो इसे आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीक हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे इस बारे में और एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करने बिल्कुल मत भूलिए। और मुझे ये तीनों नाउन का एक एक एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आया, ठीक है। अपना ख्याल रखिए।